दुईदिनिया कलाहांडी गस्तरे केन्द्र आदिवासी व्यापार मंत्री अर्जुन मुंडा आज संध्यारे कलाहांडी जिलापालों सम्मिलनी कक्षरे जिलार वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा करने एक सांबादिक सम्मिलन जोग दे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना सामिल हेब कलाहांडी आदिवासी ग्राम बोली कहिबा सहित प्रधानमंत्री विभिन्न योजना किभली सफलता पाई से विषय सूचना देते आज तृतीय दिन में लांजीगढ़ ब्लक विभिन्न अंचल ग्रस्त कर केन्द्र सरकार विभिन्न योजना उपर लोकों आलोचना करता बेले प्रथम भटांग पदस्थित स्मार्ट स्कूल प्रदर्शन कर शिक्षक अभावों विभिन्न समस्या को नहीं आलोचना करते माओप्रवण अंचल लांजी पंचायत प्रशासन पक्ष निर्माण होता नूतन गांव विकास नगर को ग्रस्त कर वनवासी आलोचना करते पहाड़ शिखर आठगोटी वनवासी पर समतल जगह को अणा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्भुक्त कर घर निर्माण कर पूर्व से सरकार कौन मौलिक सुविधा पापार प्रशासन उद्यम क्रमे वनवासी मैंने सरकार सब प्रकार सुविधा पापार आज ही दुर्गम अंचल को ग्रस्त कर खुशी व्यक्त करमंत्री अर्जुन मुंडा जितने भी ट्राइबल विलेज है उसको सेचुरेशन मोड में लेके आना है और इसलिए हमारी सरकार हमारी मंत्रालय खास करके एक स्पेशल स्कीम स्टार्ट किया है। मैं देखूंगा उसमें जरूर कालाहांडी के कुछ गांव होंगे जो पैरामीटर में सम्मिलित है क्योंकि उड़ीसा में भी बहुत बड़ी संख्या में हमने स्वीकृत किया उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि सारे डिपार्टमेंट के यानी 41 मिनिस्ट्री के स्टेट में कम हो सकते हैं क्योंकि भारत सरकार में तो अतिरिक्त कुछ मंत्रालय है जो सीधे कार्य करती हैं, तो 41 मिनिस्ट्री के कार्यक्रमों को एक गांव में पूरी तरीके से कैसे पहुंचाया जाए ये सुनिश्चित करने के लिए ये प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना हमारा मंत्रालय ने शुरू किया है। अभी पूरे देश में 740 एकलव्य मॉडल स्कूल हमारे मंत्रालय के माध्यम से बनाए जा रहे हैं और उसको CBSE पैटर्न में चलाने के लिए प्रयास हम लोगों का है कि क्वालिटी एजुकेशन सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले, क्योंकि आज के दिन में हर विद्यार्थी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होना पड़ता है। सिलेबस अगर उस तरीके से रहेगा तो उसको ज्यादा सुविधा हो सकती है, तो इस दृष्टि से ध्यान में रखकर के काम किया जा रहा है। राज्यों की भागीदारी, राज्यों का सहयोग और राज्यों का कार्यक्रम, इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे किया जाए भारत सरकार प्रयत्न कर रही है और पर्याप्त मात्रा में अंशदान राशि जैसे स्कॉलरशिप का कार्यक्रम DBT के माध्यम से सीधे अकाउंट में पहुंच रहा है, उसी तरीके से किसान सम्मान निधि योजना का राशि किसानों के खाते में पहुंच रहा है, तो DBT के माध्यम से डिजिटाइज गवर्नेंस के माध्यम से ये कोशिश किया जा रहा है कि हर चीज गांव में सीधे तरीके से पहुंचे। तो भारत सरकार ने 8 वर्ष में जो कार्य किया है वो कार्य नीचे तक पहुँच रहा है और लोगों में ये सारी चीजें दिख रही है। तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि कालाहांडी में यहाँ पर आया हूँ और पूरे समय सांसद और यहाँ के पदाधिकारी रहे और बहुत सारी चीज़ों का जानकारी हमें मिला, बहुत सारे अनुभव भी मुझे हुआ और मैं मानता हूँ कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें अन्य प्रदेशों में भी अन्य जगहों में भी कैसे किया जाए। परे विश्वनाथपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र प्रदर्शन कर स्वास्थ्य सेवा को नहीं अंचलवासी आलोचना करता बेले विश्वनाथपुर स्थित एक चा दुकान रे एक चाय पे कार्यक्रम अनुष्ठित होता विश्वनाथपुर अंचल विभिन्न समस्या को नहीं चर्चा होता बेले सापुलकुचिया ठारे मनरेगा योजना निर्माण होता अमृत सरोवर टांगनगना ठारे लेमन ग्रास चाषी मान भेट विभिन्न समस्या उपर आलोचना करते लांजीगढ़ स्मार्ट स्कूल प्रदर्शन और शेषे मिशन शक्ति महिला मान आलोचना करते भवानीपाटनारू मोहम्मद फिरोज खां रिपोर्ट जागृति लाइव मीडिया।